तो गाइस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। यहाँ पर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम भी बहुत बढ़िया हो, और तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। तुम्हें पता है वो लोग कौन है? नहीं नहीं पता है तो सुन लो, ये वही लोग है जो हमारे सामने मुजरा करके पैसे मांगते हैं। ये देना ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। Meanwhile, तो गाइस यहाँ पर कल रात से मेरे इंस्टा पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करके वीडियो सेंड कर रहे हैं कि भाई कैरी को इस बंदे ने रिप्लाई किया, कैरी को उस बंदे ने रिप्लाई किया। भाई मुझे क्यों दे रहे हो? फिर जाके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और देखने के बाद मेरा दिमाग उड़ गया कि भाई मतलब ये लोग ऐसे रिप्लाई गेम क्यों खेल रहे हैं, भाई ये तो गेम का हिस्सा भी नहीं है। फिर जाके मुझे पता चला ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई ताकि ये लोग कुछ फेमस वगैरह हो जाए, ये लोग हमारे सामने हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और भाई ऐसे रिप्लाई ज्यादातर भी लड़कियों ने किया, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब कुछ है ना 13 इयर्स ओल्ड निब्बिस, वो हाथ में फोन लेके टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर देते, टी वीडियो फैलाना शुरू कर देते, ये वही लोग है। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कियां 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके टिकटॉक पे टट्टी वीडियो डालना शुरू कर दिया और टाइटल पे चिपकाने लगे कैरी मिनाती। तो ये जो 13 इयर्स ओल्ड निब्बिस है, ये कैरी के साथ रिप्लाई गेम खेलना चाहती है। तो चलो यार मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर इस लड़कियों ने क्या क्या वीडियो डाला है। चलो ओके कैरी मिनाती भैया, अब आप टिकटॉकर्स से इतना चिढ़ रहे हो, टिकटॉकर्स ऐसे स्लोमो कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपको इस चीज से चिढ़ आ रही है? तो मैडम आप आगे कुछ बोलो, इससे पहले मेरी बात सुनो। कैरी ने सारे टिकटॉकर्स के बारे में बात नहीं की, उसने अमीर सिद्दीकी बिद्दीकी जो है और टीम 007 व्हाट द फुचका इज दिस आई हैव नो आइडिया, उनके बारे में बात की। अगर उसने सारे टिकटॉकर्स के ऊपर बात किया होता तो भाई इतने सारे टिकटॉकर्स कैरी के सपोर्ट में नहीं होते। नहीं मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कैरी के सपोर्ट लेके टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, देख लो। देखो एक होती है बेइज्जती कराना, एक होती है बहुत ज्यादा बेइज्जती होना, फिर आता है जिन लोगों को कैरी मिनाती रोस्ट करता है। स्कर्ट हैशटैग स्कर्ट सीरियसली। और भैया यहाँ पर देखो कुछ 13 इयर्स ओल्ड निब्बिस है जो हाथ में फोन लेके ये सब बोलना शुरू कर देती है। आप खुद कैसे बकते हो? कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। यार यहाँ पर तुम लोग ही कहो, मुझे तो ये सबसे बड़ी कुत्तियां लग रही है। एक्सट्रीमली सॉरी भाई, मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ, एक बार सुनो ये क्या कह रही है। भौंकते रहते हो, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, मतलब खुद तो बात करना सीख जाओ, कैसे नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हैं। अब नॉर्मल इंसान कैसे बात करता है ये सीखने के लिए टिकटॉक डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इन लोगों को देखना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा कि भाई नॉर्मल इंसान कैसे बात करते हैं, कैसे बात को प्लेस करते हैं, वो खुद सीख जाओ। या एंटरटेनमेंट के लिए आप भी कुत्ते की तरह भौंकना चाहते हो, बंदर जैसे लगते हो। भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई, आई हैव नो आइडिया ये निब्बी कौन है। शायद ये वही निब्बी है जो टीम 007 के लिए हाथ पैर काट के लिखते हैं आई लव यू वेरी वेरी मच, आई कांट लीव विदाउट यू, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर भी ये ऐसा नहीं है तो कुछ ये भी हो सकता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है ही इज नॉट गिविंग हर proper satisfaction in this lockdown, so she is still lying in front of camera. भाई यहाँ पर मैं पक्का श्योर हूँ ये जो मैडम जी को देख रहे हो ना कोई टिकटॉक स्टार का बहुत ही बढ़िया वाला फैन होगा, इसलिए ये कैमरा ऑन करके ये सब बोल रही है। तो कोई नहीं चलो आगे देख लेते हैं। बंदर जैसे लगते हो, जो फैजू का हेयरस्टाइल बोल रहे हो, फैजू का हेयरस्टाइल। भाई मैंने बताया ना ये मैडम जी कोई ना कोई सो कॉल्ड टिकटॉक स्टार का पंखा। जो फैजू का हेयरस्टाइल बोल रहे हो, फैजू का हेयरस्टाइल, आपका कौन सा 30 मार खान जैसा हेयरस्टाइल है? आपका क्या हेयरस्टाइल है खुद चेक कर लो, आप खुद कैसे दिखते हो वो देख लो एक बार। अरे मैडम आप टेंशन क्यों ले रहे हो उसके हेयर स्टाइल को लेके, उसके पास घर पे मिरर है, वो रोज देखता है। अगर आपको देखने का मन करे तो हवेली पे यू नो। दूसरों को बोलने से पहले खुद को देख लेना चाहिए, खुद बंदर की जैसा एक्टिंग कर रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए कौन वीडियो बना रहा है ये तो पता ही है यार। नहीं तो यार फालतू में ये कहां से आ गए टपक के, इसको ना कोई हम जानते हैं ना पहचानते हैं। भाई एक काम कर रहा हूं, इसका जो नाम है टिकटॉक पे वो मैं हाइड कर रहा हूं, नहीं तो यार मेरी वीडियोस की वजह से इसके जो फॉलोअर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वैसे भी यार तुम लोगों को भी पता है जो टिकटॉक वाले हैं इनके जो फॉलोअर्स है ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ही आगे बढ़े हैं, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, दूसरों को
अंदर घुसेड़ के दूसरों को खींच खींच के ला के परेशान कर रहे हो। देखो मैडम, यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा शरीफ हूँ, मेरे ऑडियंस मुझे बहुत अच्छे से जानता है, और यहाँ पर आप बीच में खींचने की बात मत करो, नहीं तो यार मोबलाल से आपको खींचने का मन करेगा और आपको खींचने के बाद आपके साथ चपा चप करने का मन करेगा। छोटू आगे से गलत वीडियो मत लगाना, लोग गलत समझेंगे, ठीक है? तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। और भाई तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो है ये सारे वीडियोस रिप्लाई गेम, ये सारे 13 इयर्स ओल्ड रिप्लाई कर रहे हैं कैरी को, यही पर खत्म होने वाला है? नहीं, अभी यहाँ पर और भी है, तो चलो एक और वीडियो देख लेते हैं। सो कैरी में नाती ने इन्हें यूज किया, ठीक है, ये लोग स्लोमो कर रहे हैं, इसको स्लोमो बोलते हैं, वो लोग के रियल लाइफ में स्लो मोशन में ऐसे चलते हैं, दैट इज एन जस्ट एन एक्ट, एक्ट के अलावा कुछ नहीं है। यस यस मैडम आई नो, ये जो है ये सब बस एक्ट है, और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ना ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे अपने दिल पे, गुर्दे पे, फेफड़े पे, किडनी पे क्यों ले रहे हो? ये भी बस एंटरटेनमेंट के लिए है, जो मैच्योर्ड ऑडियंस है वो समझते हैं, पर आप जैसे 13 इयर्स ओल्ड निब्बिस नहीं समझते। स्लो मोशन में ऐसे चलते हैं, दैट इज एन जस्ट एन एक्ट, एक्ट के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, नाच रहे हो, भौंक रहे हो, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो आप बस, आप क्या कर रहे हो वो देख लो। भाई एक बात तुम लोग मुझे समझाओ, इसके आगे जो लड़की की मैं वीडियो देख रहा था उस लड़की ने भी कहा कुत्ते की तरह भौंकने की बात, और यहाँ पर इस लड़की की जो वीडियो देख रहा हूँ ये भी बोल रही है कुत्ते की तरह भौंकने की बात। मतलब भाई ये 13 इयर्स ओल्ड निब्बिस को डॉगी स्टाइल क्यों पसंद है? चलो यार पर्सनल रीजन फॉर डॉगी स्टाइल आई हैव नो आइडिया, उनके पर्सनल रीजन उनके पर्सनली रहे, आगे देख लेते हैं। शिल्पा शेट्टी, ठीक है, शी इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, तो यहाँ पर हम क्या करें अगर शिल्पा शेट्टी टिकटॉक पे आया या फिर सड़क पे, वी डोंट केयर। शिल्पा शेट्टी, ठीक है, शी इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, काइली जेनर इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, नौरा फतेही इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, कार्तिक आर्यन ऑल्सो ऑन टिकटॉक, नौरा फतेही ऑल्सो ऑन टिकटॉक, शिल्पा शेट्टी ऑल्सो ऑन टिकटॉक, मतलब ये बोलने का क्या मतलब है भाई? आई डोंट नो। यहाँ पर जो 13 इयर्स ओल्ड निब्बी है यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो सेलिब्रिटीज है वो सारे के सारे टिकटॉक पर है, तो मैडम यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो टिकटॉक को बस ऐसे लाइक जस्ट फॉर फन ऐसे यूज करते हैं, आप लोगों की तरह टट्टी वीडियो फैलाने के लिए नहीं। और भैया यहाँ पर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो 13 इयर्स ओल्ड निब्बी है इसने क्या कहा कि लाइक कौन कौन टिकटॉक पे है? शिल्पा शेट्टी, ठीक है, शी इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, काइली जेनर इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, नौरा फतेही इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक। तो ये जो टिकटॉकर्स है ये प्राउड फील कर रहे हैं कि इनके प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग है, तो भाई मैं एक बात बता देता हूँ, ढिंचक पूजा इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, रॉकी हैंडसम इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, दीपक कलाल इज ऑल्सो ऑन टिकटॉक, और कुछ सुनना है? मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आप इनडायरेक्टली जो लोग ये कर रहे हैं उनको अब्यूज करना चाहते हो? देखो यार यहाँ पर जो तुम लोग ऑडियंस हो तुम लोगों को अच्छे से पता है, जो हमारे वीडियोस डेली देखते हो, हमने आज तक ये जो लोग हैं सेम जेंडर के ये सब करते रहते हैं, हमने आज तक इनके बारे में कुछ नहीं बोला, ना वीडियो में बोला डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कभी बोलना तो दूर की बात है, ये सब सोचा भी नहीं है, पर यहाँ पर मैडम शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि हम चाहें तो ऐसा रिलेशनशिप रख सकते हैं। वो यार मना किसने किया, बोल दो कि तुम लेस्बियन हो, तुम करना चाहते हो गुलू मुलू किसी लड़की के साथ, करना है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। किसने नहीं रोका यार, कर लो शर्माने की कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसा काम तुम करना चाहते हो, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही है शायद, इसलिए सारे ब्लेम हमारे ऊपर डाल रहे हो कि हम ये सब बोलते हैं। स्लो क्लैप। तो इनडायरेक्टली आप उनको अब्यूज कर रहे हो, कैरी में नाती आप इनडायरेक्टली ट्रांसजेंडर लोगों को अब्यूज कर रहे हो। हैं, कहां से कहां चली गई ये, मतलब उसने ऐसा कब बोला, एक भी लाइन में मैंने ऐसा भाई मैं बता रहा हूं ये भी निब्बी है किसने किसी लाइक मैं सच बता रहा हूँ भाई, शायद बुरा लगा मैडम को, आमिर सिद्दीकी को इस तरह से रोस्ट किया, टीम 007 को इस तरह से रोस्ट किया, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर निब्बी, इट्स ओके मैडम, ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर जनता सब कुछ देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं, तो मैडम प्लीज डोंट ट्राई टू एक्ट
लाइक यू डोंट नो एनीथिंग। जनता माफ नहीं करेगी। आपके ऊपर केस होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप अब्यूज कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब। यार हमारे ऊपर केस होने वाला है यार, डर लग रहा है भाई, सारे रोस्टर्स के ऊपर केस होने वाला है यार। प्लीज यार तुम लोग बचाओ यार, प्लीज ट्राई टू फाइंड ए फीमेल पर्सन हु इज रेडी टू गिव हर सेटिस्फेक्शन प्लीज। और गाइस यहाँ पर ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि विश राठौर नाम की एक पापा की पड़ी है, उसने भी वीडियो बनाया। नहीं मतलब सब लोग एक साथ वीडियो बना रहे हैं भाई, फेमस होने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, जानते हो यार। कोई बात नहीं, चलो मैडम की वीडियो भी देख लेते हैं। किस किस ने ये गाना सुना है? सुन लिया। सो ये सॉन्ग का स्पॉन्सर कौन था वो भी बता देती हूँ। सर आपसे एक चीज पूछनी थी, जिस थाली में खाए उसी में छेद। वाह मैडम क्या बात है, मतलब और कुछ नहीं मिला है मैडम को, ये जो म्यूजिकली का जो स्पॉन्सर है ये मिला, जो कैरी ने खुद बताया अपने वीडियो में। हाँ भाई, क्योंकि भाई कैरी को ऑलरेडी पता था कि ये टिकटॉकर के पास और कुछ नहीं है, तो इसने खुद टिकटॉकर को अपने वीडियो में अपने लाइव स्ट्रीम पे पॉइंट दे दिया। मैं बताऊं उसका एक पॉइंट क्या हो सकता है, मैं एक पॉइंट बताता हूं चलो तुम्हें, ठीक है? मेरे एक पॉइंट वो जरूर उठा सकता है कि मैंने मेरी खुद की वीडियो म्यूजिकली से स्पॉन्सर्ड है, ठीक है? जो अब टिकटॉक से पहले उसका नाम था म्यूजिकली, तो मेरी यो यो बनता है रैपर अगर तुम वीडियो देखोगे, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय म्यूजिकली। बट उस वक्त मैं ये कहूंगा कि कोई ब्रांड रेडी नहीं था उस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो आइडिया ही बहुत बिजार था, बट अकेला ब्रांड था तब म्यूजिकली जिसने उसको सपोर्ट दिया, तो उसके लिए ऑलवेज आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल। उसके बाद जब आगे चल के जो जो इनके साथ चीजें हुई हैं, जैसे बदला है प्लेटफॉर्म, उसका भाई उसके जिम्मेदार हम नहीं है, ठीक है? तो एक पॉइंट वो जरूर बोल सकता है, मेरे को लग रहा है। अगर नहीं भी है तो भाई तेरे को मैंने अब दे दिया, तू अब बोल के देख ले अगर कुछ हो सकता है तो। तो ये लाइव स्ट्रीम देखने के बाद टिकटॉकर ने बोला, अरे भाई कैरी ने दे दिया एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्या बात है। उसने खुद ही पॉइंट दिया और उसके पॉइंट के ऊपर तुम वीडियो बना रहे हो, मतलब यार कुछ तो मेहनत कर लो, कुछ तो मतलब खुद से ढूंढ लो यार, गूगल वूगल कर लो। पर नहीं, मैडम को मेहनत ही नहीं करनी है। बंदे ने वहां पर खुद रिवील किया, मैंने ये किया वो किया, उसके ऊपर ही मैडम ने वीडियो बना दी। और भैया यहाँ पर ये जो मैडम को देख रहे हो ना, मैं मैडम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूंगा तो यार तुम लोग कहोगे बॉडी शेमिंग, ये शेमिंग, वे शेमिंग, तो यहाँ पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता मैडम को। बस यही बोलना चाहूंगा यार, मैडम को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि शी केम फ्रॉम जंगल आफ्टर डूइंग सम मंगल। सॉरी फॉर माई RIP इंग्लिश। और यहाँ पर 13 इयर्स ओल्ड निब्बी के साथ साथ कुछ निब्बास भी है जो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, लाइक रिप्लाई गेम खेल रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं। हेलो गाइस, आपसे आज कुछ बात शेयर करने आया हूँ। अरे अरे भाई रुक जा यार, ये इस तरह से बात क्यों करता है? अरे गाइस आज मैं आपसे कुछ बात शेयर कर रहा हूं। शांत से बात करो बेटा, ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम डरते हैं आपसे। आपसे आज कुछ बात शेयर करने आया हूँ, प्लीज सुन कर जाना। हाँ भाई बोल, सुनेंगे भाई बोल। ये जो आप लोग बोलते हो ना, इसका इतना मिलियन है, पर सच बताओ टैलेंट के सामने कुछ भी मिलियन नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता टैलेंट के सामने। ओले ले, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है इस बंदे के ऊपर, आंखों में आंसू देखो भाई। ये जो आप लोग बोलते हो ना, इसका इतना मिलियन है। अल्ले निब्बा क्या हुआ, बाबू ने आज दूध थाने नहीं दिया? अगर टैलेंट, आप लोग तो टैलेंट दिखते ही कहाँ यार, आप लोग कहाँ टैलेंट दिखते हो, कोई भी कुछ भी बना दिया उसको लाखों में लाइक मिल। हाँ भाई इस बंदे ने सच्ची में सही बात बोला, क्योंकि कोई भी कुछ भी बना रहा है टिकटॉक के अंदर, लाखों में लाइक्स मिल रहा है। भाई टट्टी खिलाना बंद करो अपने ऑडियंस को, नहीं तो सारे लौंडे ऐसे भाई रो रो के बिना दूध के वीडियो बनाएंगे, सॉरी मतलब बाबू से दूध ना मिलने के बाद ऐसे वीडियो बनाएंगे। और भैया यहाँ पर इस बंदे ने जो कहा टैलेंट की बात, मैं भी मानता हूँ टिकटॉकर्स में टैलेंट है, बहुत सारे टिकटॉकर्स है बहुत बढ़िया स्लो मोशन वीडियोस बनाते हैं, बहुत फनी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, और वो लोग बहुत ज्यादा मिलियन फॉलोअर्स एंड लाइक्स डिजर्व करते हैं। अगर तुम लोग ये सब सच्ची में समझ रहे हो, सोच रहे हो कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सच है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कभी होने नहीं वाला है। ऐसा बस हम लोग सपनों में सोच सकते हैं कि टिकटॉकर्स के अंदर टैलेंट है। यहाँ पर हमें भी पता है टिकटॉक टी से शुरू होता है और टी फॉर टट्टी,
एक सेकेंड, मेरा नाम भी टी से शुरू होता है, तल्हा। तो गाइस यहाँ पर मेरी तरह शायद तुम भी यही सोच रहे होगे, कौन है ये लोग। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये लोग कौन है, डिसलाइक्स कितनी है वीडियो में, प्लीज यार कोई बता दो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ऐसे कांड करते हैं टिकटॉक के अंदर, सो कॉल्ड मीठे लोग। तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ कितने मीठे लोगों ने वीडियो को डिसलाइक किया, और मीठे लोग ये वीडियो को डिसलाइक कर रहे इससे पहले यार प्लीज लाइक बटन दबा दो, और आगे से कृपया करके ये जो टिकटॉक के मीठे लौंडिया है इनके जो वीडियोस है मुझे सेंड मत करियो यार, बार बार मत बोलना कि इनको रिप्लाई कर, ये कर वो कर, मैं आगे से नहीं कर दूंगा। और यहाँ पर इस वीडियो पे लाइक गेम रखते हैं 40,000 लाइक्स, देखते हैं तुम लोग कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। मुझे पता है तुम लोग कंप्लीट कर दोगे, पर यार जल्दी करना, नहीं तो ये जो टिकटॉक के मीठे लोग है डिसलाइक्स करने के लिए रेडी है। और अगर वीडियो पसंद है तब भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।